कोरोना वैश्विक महामारी के चलते नूरपुर की पंचायत सुल्याणी के प्रसिद्ध डिवकेश्वर महादेव के मंदिर में दिन का कर्फ्यू हटा देने पर बाहरी राज्यों तथा दूसरे शहरों से बड़ी संख्या से लोगों की आवाजाही पर सख्ती से निपटने का निर्णय लिया गया। मंदिर कमेटी ने इस बारे में नूरपुर SDM ग्राम पंचायत को एक पत्र लिखकर अवगत करवाया। सरकार ने अभी धार्मिक स्थलों को खुलने का कोई आदेश नहीं दिए हैं, मगर बढ़ती गर्मी और सावन महीना शुरू होने पर लोग चोरी छुपे यहां रोज आ रहे हैं, जो कि सरकार के आदेशों की भी उल्लंघना कर रहे हैं। पंचायत उपप्रधान नरेश शर्मा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से शिव मंदिर में गांव से बाहर तथा पंजाब राज्य से लोगों के आने की भीड़ बढ़ रही थी और लोगों को मना करने पर भी नहीं मान रहे थे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कल को कहीं कोई यहां कोरोना युक्त व्यक्ति ना आ जाए, इसके चलते मंदिर कमेटी ने SDM नूरपुर को पत्र लिखा और SDM नूरपुर के आदेशानुसार मंदिर के रास्ते को बंद कर दिया गया है। पिछले लगभग 15 दिनों से यहाँ डुकेश्वर महादेव में बाहर से, यानी गांव के बाहर से और बीच बीच में पंजाब प्रदेश से भी लोग बहुत ज़्यादा भीड़ में आने लगे, तो यहाँ मंदिर कमेटी ने निर्णय लिया और लिखित रूप में एक आग्रह किया अजीम महोदय जी से कि ऐसे से वहाँ भीड़ पे काबू नहीं पाया जा रहा, और पुलिस प्रशासन को भी जानकारी दी गई, लेकिन भीड़ ना हटते हुए अजीम महोदय ने ये निर्देश दिया कि आप कमेटी इस रास्ते को बंद कर सकती है जब तक ये कोरोना COVID-19 की महामारी चली हुई है। तो आज मंदिर कमेटी ने निर्णय लिया, मुझे बुलाया, मैंने भी ये उचित समझा कि कल को हमारा गांव जो है इस महामारी से अभी तक बचा हुआ है, कल को ऐसा ना हो कि यहाँ का गरीब हरिजन बस्ती लगती है साथ में, अगर ऐसी दिक्कत आई तो बहुत बड़ा एक नुकसान होगा गांव के लिए। तो ये निर्णय लिया गया और धन्यवाद करना चाहते हैं प्रशासन का जिन्होंने ये अनुमति दी कि इस रास्ते को फिलहाल बंद किया जाए ताकि लोगों का की आवाजाही बंद रहे और ये महामारी से बचा जा सके। मंदिर कमेटी प्रधान राजेश भारद्वाज ने कहा कि सरकार द्वारा मनाही के बावजूद भी ज्यादा संख्या में लोगों के डिवकेश्वर महादेव मंदिर आने और पवित्र स्नान स्थल में नहाने के चलते कल को कोरोना महामारी यहां ना फैल जाए, इसके मद्देनजर कमेटी गांव वालों ने मिलकर नूरपुर SDM को पत्र लिखा और इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की। नूरपुर SDM डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने इस समस्या को देखते हुए डिवकेश्वर महादेव मंदिर का रास्ता बंद करने के आदेश जारी कर दिया। SDM के आदेशानुसार मंदिर कमेटी और पंचायत उपप्रधान ने मिलकर रास्ते को बंद कर दिया और जब तक कोरोना महामारी और सरकार के आदेश नहीं जारी किए जाते तब तक लोगों को मंदिर जाने की इजाज़त नहीं होगी। ये जो हमारा डिवकेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ पे बाहरी राज्यों से बहुत से लोगों का आना जाना शुरू हो गया था, कम से कम 200 से 300 लोग डेली जो है यहाँ नहाने के लिए और दर्शन करने के लिए आ रहे थे। तो COVID-19 के चलते हुए हमें कमेटी ने भी और गांव वाले ने भी यही एक सोचा कि अगर एक भी कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो हमारे गाँव के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि बच्चे भी वहाँ जाकर नहाते हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए कि कहीं आने वाले टाइम में कोई पॉजिटिव आ गया तो काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है, तो हमने कमेटी ने निर्णय लिया और हम SDM साहब के पास गए, उनके पास हमने लिखित रूप में दिया कि सर ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने हमें बड़े अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया और उन्होंने हमारी हेल्प की कि आप इसको रोड को, उन्होंने आदेश दिया कि रोड को आप इसको बाधित कर दो, बंद कर दो, जब तक COVID-19 का ये चल रहा है तब तक इसको बंद रखिए। तो उन्हीं के निर्देशानुसार हमने रोड को आज बंद किया है। तो डिवकेश्वर महादेव में उन्होंने बोला कि किसी का भी जाना, मतलब उसको बंद पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया, तो ये सभी के लिए है, अच्छा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि सभी सहयोग दें, गाँववासी भी और बाहर वालों से भी मेरा निवेदन है, जब ये खुल जाता है, अगर माहौल अच्छा हो जाता है, COVID-19 से हम सेफ हो जाते हैं, तो आइए, मोस्ट वेलकम। और मैं प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, खास करके SDM साहब नूरपुर जिन्होंने हमारा सहयोग दिया,